बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजन सिर और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, मैं इस टाइम ज़मान पार्क में मौजूद हूँ। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, यहाँ पर बहुत ही पुरजोश कारकुनान आप नज़र आ रहे हैं, बड़ी बड़ी डांगे पकड़ के इन्होंने मास्क भी पहने हुए हैं माशाल्लाह। ये जो टीयर गैसेज फेंकी जाती हैं उसके लिए भी इन्होंने जो है ग्लासेस लगाए हुए हैं सेफ्टी के लिए। ये वो कारकुनान है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई लेकिन खान साहब के ऊपर आँच नहीं आने दी, और इंशाल्लाह इन्होंने कहा कि हम आँच आने भी नहीं देंगे, हमारा लीडर है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, हमें कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े हम इंशाल्लाह खान साहब की हिफाजत पर मामूर हैं। आप नाज़रीन यहाँ पर यह भी देख सकते हैं, दुनिया के सबसे महंगे फ्रंट जहाँ पर गिरफ्तारी लेके इस्लामाबाद पुलिस पहुँची, रेंजर पहुँची, दो दिन क्या हालात हुए, उन्होंने पूरी कोशिश की, CCPO आए, दुनिया का हर जहाँ पर बंदा है, दुनिया का हर मीडिया है, उसने दिखाया, लेकिन अल्लाह के फजल करम से खान साहब का बाल बिंका नहीं हो सका। वकला की बहुत बड़ी तादाद भी यहाँ पर आई जिन्होंने जनाब यहाँ पर भगा दिया पंजाब पुलिस को, वो कहते हैं भीगी बिल्ली की तरह भागी यहाँ से, फिर असल कामयाबी का सेहरा इनको भी जाता है, हम इनको सलाम और सलूट पेश करते हैं। यहाँ पर हम एक एक दो दो मिनट की जो है बात करते हैं, आप मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई जनाब, क्या कहना चाहेंगे मौजूदा सूरत हाल के बारे में, जो अब आजकल कंडीशन चल रही है, क्या दोबारा भी अटैक हो सकता है गिरफ्तारी के लिए? जी बिल्कुल, अगर कारकुनान यहाँ पे मौजूद है तो इसलिए मौजूद है कि खान साहब को इसी रियासत से जो है ना बहुत ही खतरा है, रियासी इदारों से खतरा है, तो कारकुनान जो है ना इसलिए यहाँ पे मौजूद है कि खान साहब को कुछ हो ना जाए। सिक्योरिटी अब आवाम और कारकुनान खुद जिम्मे लिया है, क्योंकि खान साहब को बहुत ही खतरा है। आज ही खान साहब को बहुत खतरा था, तो अदालती फैसलों की वजह से इसकी वजह से ताखीर का शिकार हुआ है। इंशाल्लाह हम उस वक्त तक खान साहब के साथ खड़े रहेंगे जब तक खान साहब हमें कॉल खुद ना करें। आप कहाँ से आए हैं? हम KPK ज़िला टांग से आए हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो कुर्बानियाँ देने वाले वो पख्तून बरादरी है, यकीन करें सीसा पलाई दीवार साबित हुई है, कोई बंदा आगे नहीं आया जब पख्तून जहाँ पर डट गए, इन्होंने कहा हम इंशाल्लाह खान साहब को हाथ नहीं लगाने देंगे। ये वकील साहब भी बहुत प्यारे हमारे भाई मौजूद हैं, हम इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मुबशर चीमा एडवोकेट हाई कोर्ट वज़ीराबाद, मेरा शहर है। मैं आपकी बात से थोड़ा करूँगा, मैं सलाम पेश करता हूँ अली मीन घंडापुर और दूसरे इमरानहा के साथियों का जिनके कबीले के लोगों ने आके यहाँ पे कमान संभाली, लेकिन हम लाहौरियों को भी ना बोलें और गुजरांवालियों को भी ना बोलें और पंजाब को, लाहौरियों ने जैसे किया परसों रात, तारीख हुआ है, मैंने आज तक ऐसे होते नहीं देखा। गंदे नाले से बच्चे आए हैं, टूट ऊपर से आए हैं, टांगें टूटी हैं, सारा कुछ हुआ है लेकिन आया है। मेरे अपने दो बेटे बीच में थे जिनकी आँखों पर इन्फेक्शन हो गया गैस असुजल जी के, तो हम ये नहीं है हम कुछ ज़्यादा कर रहे हैं वो, लेकिन फिर भी सलाम करते हैं सुबह से रात के लोगों को। जनाबे वाला बात करना चाहते हैं, मैं वकील हूँ, IELF का भी हूँ, PTI का हूँ, 2008 से PTI का वर्कर हूँ। माशाल्लाह बहुत कुर्बानियाँ दी हैं जी, आखिरी मारका इन्होंने लोगों ने मारा है, यकीन करें हम सब देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। कल जैसे हम आए और देखा कि ये जो पालतू गुंडे थे राणे सनाउल्ला के, जितने बेनोई और दामाद थे वर्दियों में, कैसे भागे, और हम भी उसको अभी भी चैलेंज करते हैं मूछों वाले बंदर को कि इंसान का बेटा बन। ये इमरान हाँ सिर्फ पाकिस्तान का लीडर, उसके नाखून लेने की जरूरत है यहाँ पर, पाकिस्तान का लीडर नहीं है, ये लीडर है उम्मत मुसलमा का, 54 मुल्क इसके पीछे हैं, और आज इस दुनिया में इस जैसा लीडर कायनात में मुसलमान नहीं है। और मैं कहता हूँ जालमो होश के नहन लो, नवाज शरीफ चोर और चक्के में लंदन में बैठे हो, ये गुंडा बदमाश बंदर की शक्ल का फैसलाबाद का कातिल यहाँ पे बैठा रखा है, और वो जो आई है वो शो पीस लेके आई है, वो जब भी जाती है ब्यूटी का नया अंदाज लेके आती है, उसको अपना भी पता करें, वो लोगों की फिल्में तो बड़ी दिखाती है, उसकी अपनी फिल्में जो पड़ी हैं ना वज़ीर आज़म हाउस में गैराज में, वो भी ज़रा वो चेक करे कि वो मुद्दत कितनी थी, निकाह हुआ है उसका दिसंबर में और बड़ी बेटा पैदा हुई है अगले माह अप्रैल में, वो दुनिया में कोई साइंस नहीं है 4 माह में पैदा करने वाली, इस खानदान ने वो भी करके दिखा दी, इस मुल्क का खिलवाड़ कर दिया। इमरान इसीलिए खड़ा है, और ये जो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और जरदारी तीनों के पैसे इकट्ठे करें, ये गालबन $60 मिलियन बनते हैं, पाकिस्तान के करने से दुगने हैं। ये जो हमारी महंगाई है जो हम रोज़ दुकानों पे फेस करते हैं, ये इन तीन लोगों का शाजाना है, और ये जो 7 अदारे को मिले हुए हैं इनके हेड्स का भी ज़रा चेक करें, अभी सारी दुनिया को पता है हेड्स के कितने यहाँ पे सासे हैं। तो खुदारा मैं ये हलफ देता हूँ,
कि मेरी जान जाए तो जाए, इमरान खान का बाल बिका ना हो। बहुत शुक्रिया जी, हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, ये बिल्कुल ताज़ा तरीन अपडेट थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए अभी दोबारा हम लोगों से गुफ्तगू करते हैं, मेरे साथ रहिए। इसी के साथ अपने उसको इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट समय दोबारा मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। आपने इतना बड़ा डंडा किसको देना है भाई? इतना मोटा डंडा, छोटा पकड़ लेते। ओए ये ए ओ डंडा जेड़ा इमरान खान ने सारे नु दित्ता होया है। अच्छा, हां जी। किथों आए हो तुसी? पीपी 245 बावलपुर। इनु तो संभालना ही बड़ा मुश्किल है, तुसी थोड़ा जा छोटा फाड़ लेंदे, जरा मारना मुन्ना आसान होवे। इनु बड़ा होना चाहिदा सी। अच्छा, हां जी। इस तो भी, हां जी, इस तो भी बड़ा। कोई रोला नहीं है, जड़ा मर्जी आ जे। नाज़रीन, देख सकते हो कि माशाल्लाह जोश और जज्बा कितना पाया जा रहा है। इंशाल्लाह जो भी अपडेट्स होगी ताज़ा तरीन हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।